हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम रहम कॉलेज। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द गांधी व्यू ऑन स्वराज। सी, गांधी जी के व्यूज ऑन स्वराज देयर वर बेस्ड ऑन थ्री लेवल्स। लाइक फर्स्ट वाज द इंडिविजुअल स्वराज, मतलब सेल्फ कंट्रोल, खुद के लिए लड़ो। सेकेंड वॉज द स्वराज फॉर नेशन, दैट इज द इंडिया। इन केस ऑफ कम्युनिटी लेवल इट इज कॉल्ड एज द ग्राम स्वराज और फ्रीडम ऑफ विलेज। देन इंडिविजुअल स्वराज, गांधी जी चैम्पियन द कॉज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इन हिज वर्ड स्वराज रियली मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सी वॉट स्वराज मीन्स, स्वराज मीन्स एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल। ओनली ही इज केपेबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्व द रूल ऑफ मॉरलिटी, डज नॉट चीट और गिव अ ट्रूथ, एंड डज हिज ड्यूटी टू हिज पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, सर्वेंट्स एंड नेबर्स। अ स्टेट एंजॉय स्वराज इफ इट कैन बूस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सच गुड सिटीजन। एंड इंडिविजुअल स्वराज हैज टू ऑब्जर्व 11 वर्ब्स लाइक 11 वर्ब्स लाइक ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, सेलिब्रेसी, फियरलेसनेस, मैनुअल लेबर, नॉन इंटेलिजेंस इन फूड, यूज ऑफ स्वदेशी, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी। देन स्वराज फॉर द नेशन, ही वॉन्टेड फ्री इंडिया। लाइक ब्रिटिशर्स से गांधी जी को इंडिया को फ्री करना था। हिज आइडिया ऑफ स्वराज फॉर द नेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग। अपोजिशन टू इंपेरियलिज्म, गांधी जी वॉज अगेंस्ट कॉलोनियल हेगेमोनी। बाय एंड लार्ज ही वॉन्टेड टू ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, गिविंग अ सैलिनरी कॉल डू और डाई। When the Quit India Resolution was passed in 1942, Gandhiji observed, "I therefore want freedom immediately, this very night, before dawn, if it can be had." Then, advocacy of Swadeshi. Gandhiji Swadeshi mein bahut believe karte the. Gandhiji told that in body, mind and spirit one should be Swadeshi. Aur Gandhiji ne bola logo ko ki foreign goods use karna band karo. जो गुड्स अपने कंट्री में बनते हैं सिर्फ वो यूज़ करो। इन दिस वर्ड्स स्वदेशी टीचर्स दैट बीइंग बॉर्न इन इट एंड हैविंग इट इनहेरिटेड हर कल्चर। देन होम रूल, गांधी जी एडवोकेटेड होम रूल। ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस ऑफ द मॉडरेट एंड एम्फसाइज दैट द नीड ऑफ दैट आर इज सेल्फ रूल। अपन अपनी कंट्री खुद रूल करेंगे। ब्रिटिशर्स ने अपने को जितना इंडिया को लूटना था उन्होंने लूट लिया। और होल रूल, होम रूल कैन बेटर टैकल द सिचुएशन वेन एवर चायोटिक इट मे बी। देन पार्लियामेंट्री स्वराज, आउट एंड आउट गांधी जी वॉज अ डेमोक्रेट। ही वॉन्टेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचर ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। It was only because that democracy is full of violence and it restores the coercive method to maintain law and order. Then means and end relationship. For the Swaraj of nation, Gandhiji put emphasizes on the relation of means with end. He emphasized on the relation of means with end. Thus, state should adopt fair means for achieving fair ends. Then Gram Swaraj. Gram Swaraj is the third category of Swaraj with Gandhiji. Which Gandhiji investigated. He wanted Swaraj of self-rule by the people of India who represent the mass, ruler mass. Time and again he observed, India's soul lives in the village. He wanted that power structure should begin with from the below. Then Gandhian paradigmic of Gram Swaraj. See, Gram Swaraj ke liye teen pillars zaruri hai. Ek to education, employment and empowerment. नाउ एडुकेशन यानी क्या है, यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं। गांधी जी परस्यूड ऑफ विलेज स्कूल एट द प्राइमरी एजेंसी। लाइक अगर सबको प्राइमरी एडुकेशन मिलेगा तो अपने आप डेवलपमेंट होगी। अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको तीन बेसिक चीज़ें पक्का आएगी, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। और ये जो फिर ये बच्चे आगे जाके बड़े होंगे तो क्या है, दे वुड ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट। According to his belief, the school children were the best suited to play the role of change agent in the transformation of the local community, right? Phir teachers bhi kaise rehne chahiye? He want teachers to be an social educator and motivator in order to enter the spirit of self-reliance in the village.
then the undercurrent his philosophy of rural school was therefore to ensure that every village develops into a self-reliant and vibrant entity of the society at the grassroots level of the country. Then moving towards the next point, that is empowerment. As in case of rural education, Gandhiji's vision of rural employment was too different from the conventional position hitherto prevailed during the British rule. See, जैसे रूलर एजुकेशन में गांधी जी विजन ऑफ रूलर एम्प्लॉयमेंट क्या था, वो थोड़ा सा अलग था तब के परसेप्शन के हिसाब से, ताकि वो ब्रिटिशर्स को हरा सके. इट वॉज ऑलमोस्ट अ यू टर्न फ्रॉम द अर्लियर स्टैंडर्ड ऑफ दैट एजुकेशन, बी इट एट वॉट एवर लेवल सर्व ओनली वन कॉज, नेमली टू सीक अ गवर्नमेंटल जॉब. से इट वॉज ऑलमोस्ट अ यू टर्न, मतलब एजुकेशन पूरा उल्टा यू टर्न ले लिया था. लाइक पहले एडुकेट होते थे, अब एडुकेट किस लिए होना है, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके. सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिनोट बीइंग इन सर्विस एट द प्लेस अदर देन वंस ओन विलेज. सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट को भी क्या बोला है, ऑल्सो डिनोटेड बीइंग इन अ सर्विस. एम्प्लॉयमेंट को क्या बोला है, एक ऐसे सर्विस में रहो, एक ऐसी जगह पे रहो अदर देन ओन्स विलेज, खुद का विलेज छोड़ के दूसरी जगह सर्विस होकर देखो. ही परस्यूड सच कन्वेंशनल माइंड सेट एज सिनोनिमस टू स्लेवरी, ताकि आप स्लेवरी से बच सको. उस वक्त स्लेवरी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, तो स्लेवरी से बचने के लिए आप प्रॉपर एडुकेशन लो एंड देन गेट एम्प्लॉयमेंट. इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट बापू हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस सिंड्रम्स. इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट, उसी कॉन्टेक्स्ट में बाप क्या बोल रहे हैं, उन्होंने फ्रीडम का इम्पोर्टेंस बोला, आज़ादी का इम्पोर्टेंस बोला. आज अपन फ्रीडम रहेंगे, अपने को इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो अपना कितना अच्छा होगा, कितना भला होगा. इट वॉज टू हिम अ फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट ओनली अ मीन ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड बट डूइंग सो विथ डिग्निटी. सी टू हिम अ फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, सिर्फ एक जरिया नहीं है पैसे कमाने का, बट एक डिग्निटी के साथ, एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ जीने का सही तरीका बोल रहे हैं. लाइक वो क्या है, आप सिर्फ एडुकेशन ले लो और आपका अच्छा जॉब मिल गया तो क्या है, आपका लाइवलीहुड बदलेगा वो भी होगा, बट उसके अलावा आपका डिग्निटी, एक औकात भी बढ़ेगी. दैट इज़ वाई हिज मेजर ट्रस्ट वॉज ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच अलोन कुड गारंटी अ डिग्निफाइड वे ऑफ अर्निंग इन अ सस्टेनेबल मैनर. इसलिए गांधी जी का क्या व्यू था, इसलिए गांधी जी ज़्यादा किसको सपोर्ट कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप खुद का करो. यहाँ पे क्या है, आपको गारंटी है कि आप खुद का खुद अर्न करोगे और आप वो बिजनेस चलाने के लिए हर मेहनत करोगे और वो बिजनेस टिकाने के लिए भी पूरी मेहनत करोगे और आपका खुद का एक औकात बनेगा और खुद का सब कुछ रहेगा. द होल फिलोसॉफी ऑफ द मिशन एंड मूवमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन दिस बेसिक प्रीमाइसेस. सी द होल फिलोसॉफी ऑफ द मिशन, सी द होल फिलोसॉफी ऑफ द मिशन एंड मूवमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन दिस बेसिक प्रीमाइसेस. पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी alone was directed towards creating multiple jobs in the village itself. We started from landless labor and converted number of other jobs such as cotton grower, spinner, weaver, tailoring, local trader, etc. See, popularization of khadi. अब सिर्फ khadi को promote किया तो देखो कितने सारे jobs मिलते हैं village में लोगों को. लाइक हद से ज़्यादा job मिल जाते हैं village में लोगों को. क्या job मिलते हैं, जैसे कि देखो लैंडलेस लेबर को क्या मिलता है, जिनके पास लैंड नहीं है उनको थोड़ा सा काम मिल जाता है, राइट. अभी थोड़ा काम मिल गया तो क्या क्या काम रहता है उनको, कॉटन उगाना, स्पिनिंग करना, वीविंग करना, कॉटन को पूरा प्रोसेस करना, फिर कपड़े सीने का और फिर लोकल मार्केट में बेचना, एंड ऑल कितने सारे काम मिल गए आपको. सिर्फ एक खादी अपन ने प्रपोर्ट की, सिर्फ एक कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन ग्रो किया तो. डिसाइड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ खादी वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ रूलर वुमेन हु फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे कुड ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली
in the generation of family income and that too through a meaningful use of their leisure time. See, कितनी अच्छी बात हो गई. जब ये प्रोडक्शन वगैरह चल रहा था, खादी का यूज़ कर रहे थे, जब इसका सब प्रमोशन चल रहा था, तो एक स्टेप आगे बढ़े वो लोग. दैट वॉज अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. वुमेन को भी ये रियलाइज करके दिया कि आप भी इन सब पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप भी ये सारा मीनिंगफुल काम कर सकते हो, और आपको अगर घर पे ही, आपके घर पे ये सब कुछ हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट. आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, राइट. और आपका जो लेजर टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको काम भी मिल जाएगा. और ये पहली बार हुआ था और आपका फैमिली इनकम भी बन जाएगा. एंड ऑल दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम एट दैट टाइम. ओके, सिमिलरली गांधीजी ट्रस्ट ऑन एस्टेब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड अदर टाइप ऑफ विलेज इंडस्ट्री वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनेबलिंग ईच विलेज एज अ सेल्फ रिलायंस यूनिट ऑफ द सोसाइटी. सी सिमिलरली क्या है, गांधीजी ट्रस्ट ऑन एस्टेब्लिशिंग. सी गांधीजी का एक भरोसा भी था, उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना दिया था, और अदर इंडस्ट्री में जो विलेजेस थे उनको डायरेक्ट कर दिया, ताकि आप, उनको भी बोला कि आप सब खुद का खुद करो, खुद का यूनिट रखो एक, ताकि आपका डेवलपमेंट हो और आपका सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो. इन एडिशन टू दिस, सच प्रोग्राम कुड ओनली गारंटी द ऑप्टिमम यूज ऑफ लोकली अवेलेबल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच वेयर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मिलियन ऑफ द सन्स ऑफ द सॉइल. उसके अलावा गांधी जी ने और भी प्रोग्राम स्टार्ट किए कि वह अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज इतना ज़्यादा अवेलेबल है, लोकल से लोकली इतना अवेलेबल है नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये आप अच्छे से यूज़ करो, ये प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड है अपने बच्चों के लिए, अपनी मातृभूमि के बच्चों के लिए, राइट. जैसे अपन बोलते हैं धरती अपनी माँ है, राइट, और ये अपन उन सब के, और ये अपन धरती के अपन सब बच्चे हैं, तो वही बोल रहे हैं. इस धरती ने अपने बच्चों को इतना अच्छा अनमोल तोहफा दिया है, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज दिया है, उसका आप अच्छे से यूज़ करो, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं. देन एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एस्पेशली इन द रूरल एरिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ गांधीजी विजन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. सी एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अभी जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको एम्पावरमेंट दो, हाँ, एस्पेशली इन द रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया में उनको एम्पावरमेंट दो, ताकि ये एक सबसे बड़ा टॉप मोस्ट थॉट था और एक विजन था, ताकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो. इट्स कैंपेन अगेंस्ट द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज मेनली डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस गोल. सी उनका जो कैंपेन था टूवर्ड्स अनटचेबिलिटी, वो कहाँ से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, लाइक रूरल एरिया से ही, क्योंकि अगर रूरल अच्छे से डेवलप हुआ, उधर से अपन अनटचेबिलिटी हटा देंगे, तो अपने आप अनटचेबिलिटी अदर एरिया से भी निकल जाएगी. ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज मोर और लेस एन ingredient part of the whole conservative Hindu culture, yet this evolves to dominate mainly the ruler scene. See, भले ये जो practice of untouchability वो कम या ज़्यादा इंडिया में थी ही थी, बहुत से हिंदू कल्चर में आज भी ये माना जाता है, आज भी ये evil चीज़ माना जाती, और वो dominate करते हैं ruler लोगों को बहुत ज़्यादा. The worst suffered were the scavengers, particularly the women whose major occupation was not only to clean the toilet manually, but also to carry the bucket loaded of night soil on their head. अरे बाप रे, जी सबसे हालत ख़राब इनका था स्क्लैवेंजर्स की, मतलब उनको क्या करना, स्पेशली वुमेन को, उनको क्या करना है, टॉयलेट तो खुद से पूरा साफ करना ही करना है बड़े लोगों का, साथ साथ में जो गंदा रहता है सारा वो सर पे उठा के लेके जाना भी है उनको, इतनी गंदी चीज़ें, आज सोच के आई फील लाइक वोमिटिंग. उस वक्त उनको वो करना पड़ता था, मतलब इतना हालत ख़राब था. ये अनटचेबल्स का हालत देखो कितना ज़्यादा ख़राब था उस वक्त, कांट यू इमेजिन ऑल दिस. एनीवे मूविंग टूवर्ड्स द
नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सत्याग्रह. गांधीज कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज एन एक्सेप्शनल एंड नॉवल्स वे टू रेजिस्ट इविल. सी गांधी जी का जो ये कंसेप्ट था सत्याग्रह का, ये क्या था, ये बुराई से लड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका था, बुराई से लड़ने का एक बहुत अच्छा शस्त्र था. दिस इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द एंटायर गांधियन थियरी एंड फिलोसॉफी एंड हिज एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न इंडिया इंडियन पोलिटिकल थाट. सी दिस इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ एंटायर गांधियन थियरी. ये सत्याग्रह जो था ये एक हार्ट एंड सोल ऑफ गांधियन थियरी था एंड फिलोसॉफी एंड एंड इट हैड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थाट. थ्रू दिस मैकेनिज्म गांधी जी एम्ड एट रेजिस्टिंग एनी काइंड ऑफ अनजस्ट इम्प्योर और अनट्रूथफुल एक्ट. गांधी जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म गांधी जी का क्या था एम, कि कब कुछ भी गलत इम्प्योर या फिर कुछ भी झूठी बात पे तुरंत अपन सत्याग्रह करने का, नहीं मानने का, इन सबको रेजिस्ट करने का. रेजिस्टिंग अनजस्ट इम्प्योर एंड अनट्रूथफुल एक्ट. दिस कंसेप्ट ऑल्सो एम्स एट फर्दरेंस ऑफ लव एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन. सी सत्याग्रह का एक और एम क्या था, हर जगह प्यार से बांटो, हर जगह प्यार से रहो और सेल्फ प्योरिफिकेशन, अपना मन एकदम प्योर रखो. सत्याग्रह कैन बी रिगार्डेड एज अ वेंडिकेशन ऑफ ट्रूथ बाई टेकिंग सेल्फ सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ लव. सी सत्याग्रह कैन बी रिकार्डेड एज अ वेंडिकेशन ऑफ ट्रूथ बाय टेकिंग सेल्फ सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ लव. इट इज़ द वेपन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट. सत्याग्रह क्या है, ये एक वेपन है ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट. कितना अच्छा वेपन है देखो, सही की राह पे चलना. इट वॉज बिलीव दैट सत्याग्रह एनेबल्ड इवेल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल इक्वलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अभी इट वॉज बिलीव दैट सत्याग्रह क्या है, एनेबल्स इवेल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. द मेन फंक्शन ऑफ अ सत्याग्रह इज नॉट टू इंजोर द एनिमी बाई एनी मीन्स. सत्याग्रह का एक मेन फंक्शन, मेन काम क्या था, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाने का, अपने दुश्मन को भी तकलीफ नहीं पहुँचाने का, कोई भी तरीका रहे, वो सामने वाला कोई कुछ भी करे, कुछ भी क्यों ना हो, आप सब तकलीफ नहीं पहुँचाओगे सामने वालों को. इट वॉज द मेन एम. इट इज़ एन अपील टू द एनिमी आइदर थ्रू रीजन और बाय जेंटल रैशनल आर्ग्यूमेंट. सी ये एक अपील टू द एनिमी है. इट इज़ एन अपील टू द एनिमी आइदर थ्रू अ रीजन और बाय अ जेंटल रैशनल आर्ग्यूमेंट. इट इज समथिंग लाइक अ सेक्रीफाइस ऑफ सेल्फ. सी सत्याग्रह क्या बोल रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक अ सेक्रीफाइस ऑफ अ सेल्फ. सत्याग्रह हैज अ टू पॉजिटिव फीचर्स. सत्याग्रह के क्या है, दो पॉजिटिव फीचर्स हैं, दैट इज इट शावर्स ब्लेसिंग ऑन दोज हू प्रैक्टिस्ड इट. सत्याग्रह के दो पॉजिटिव फीचर्स क्या है, जो ये प्रैक्टिस करता है उसके ऊपर ब्लेसिंग्स की बरछा होती है, बारिश होती है, ब्लेसिंग्स की दुआएं मिलती है, बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं. एंड सेकेंडली इट ब्लेसेस दोज इंडिविजुअल अगेंस्ट होम सत्याग्रह इज प्रैक्टिस्ड. और जिसके अगेंस्ट आप सत्याग्रह कर रहे हो उनको भी दुआएं मिलती है. सी इसीलिए बोल रहे हैं इट ब्लेसेस दोज इंडिविजुअल्स अगेंस्ट होम सत्याग्रह इज प्रैक्टिस्ड. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द मीनिंग. लिटरली सत्या मीन्स ट्रुथ. सी आपको भी अच्छे से पता है सत्या यानी ट्रुथ एंड आग्रह मीन्स फोर्स. सच को फोर्सफुली अपनाओ आप, राइट. सो सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ फोर्स. Therefore, सत्याग्रह means the force born of truth. इसलिए सत्याग्रह को क्या बोल रहे हैं, force born of truth, non-violence and soul force. The force born of truth, non-violence and soul force. When
Man believes that he is on the side of what is truth and right. He gains the courage and strength to overcome the most difficult of challenge on the basis of truth alone. See, जब आदमी को पता चलता है कि वो सही के साथ में है, जो वो कर रहा है वो सच्चाई है, उसको अपने आप एक हिम्मत आती है, एक करेज आती है, ताकि वो सारी डिफ़िकल्टी जो चैलेंजेस उसके सच्चाई के राम में आ रहे हैं उसको वो अकेला ही ओवरकम कर सके. हैंस देर कैन बी नो सत्याग्रह इन एन अनजस्ट कॉज. इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सत्याग्रह गलत तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता है. इट इज़ अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, नॉट अ वीक. सी, सत्याग्रह क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव का एक वेपन है. वीक जो इंसान है उनके लिए सत्याग्रह किसी काम का नहीं है. इट नीड्स कॉन्फिडेंस, सोल फोर्स, बिलीव ऑन गॉड एंड ट्रस्ट. सी, अगर आप सत्याग्रह अपना रहे हो तो आपके पास सबसे पहले क्या चाहिए, यू नीड अ कॉन्फिडेंस, आपको एक सोल फोर्स चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा चाहिए और सच स्वीकारने की हिम्मत ताकत चाहिए. सत्याग्रह इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग वंस एडवर्सरी बाय द यूज ऑफ वंस सोल फोर्स एंड मेकिंग हिम वॉन्ट टू मीट वंस रिक्वेस्ट. सी, सत्याग्रह इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग वंस एडवर्सरी. सी, सत्याग्रह का एम क्या है, इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग वंस एडवर्सरी बाय द यूज ऑफ वंस सोल फोर्स एंड मेकिंग हिम वॉन्ट टू मीट वंस रिक्वेस्ट. सी, फोर्सफुली अपना काम करवा के लो बिना किसी शस्त्र उठाए और वो भी प्यार से. नाउ विल लुक एट सम टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह. द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द टेक्निक. सी, टेक्निक ऑफ सत्याग्रह क्या रहेंगे, अभी इतना अपन ने देखा. एक तो सिविल डिसोबिडियंस, नॉन कॉपरेशन, हड़ताल, फिर बॉयकॉटिंग, स्ट्राइक, यही सब रहेंगे ना तरीके. तो आज अपन लगे तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एक तरीका देखते हैं. द फॉलोइंग इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द टेक्निक. सिविल डिसोबिडियंस, अकॉर्डिंग टू गांधी, सिविल डिसोबिडियंस इज एन इफेक्टिव एंड ब्लडलेस सब्सटीट्यूट फॉर द आर्म्ड रिवोल्ट. सी, गांधी जी के हिसाब से क्या है, सिविल डिसोबिडियंस क्या है, इट इज़ एन इफेक्टिव एंड ब्लडलेस सब्सटीट्यूट फॉर द आर्म्ड रिवोल्ट. बिना खून बहाए आपको रिवोल्ट करना है, राइट. बिना खून बहाए किसी का, बिना अपना ना सामने वाले का, खून बहाए, खून बहाए बिना आपके पास एक बहुत अच्छा शस्त्र है, दैट इज़ द सिविल डिसोबिडियंस. दिस इज अनदर मेथड ऑफ वायलेटिंग द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन ए नॉन वायलेंट एंड पीसफुल फैशन. सी, ये क्या है, दिस इज अनदर मेथड, ये एक अनदर मेथड भी है ऑफ वायलेटिंग द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन ए नॉन वायलेंट एंड पीसफुल फैशन. हाउएवर, नेसेसरी केयर हैज टू बी टेकन टू मेक द एंटायर एक्ट मोर सिंसियर, रिस्पेक्टफुल एंड प्रिंसिपल्ड. सी, ऐसा है क्या, सिविल डिसोबिडियंस बोला तो चल पड़े आप, नहीं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है. आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्ट कर रहे हो, वो पीसफुली करो, उसके कुछ उसूल रहने दो एंड डू इट इन अ सिंसियर वे. हाँ, यू कैन एक्ट इन अ मोर सिंसियर, रिस्पेक्टफुल एंड प्रिंसिपल्ड वे. इट शुड नेवर बी कैरिड आउट विद इल विल एंड हेटरेड. सी, कभी भी ये काम इल विल या हेटरेड, मतलब नफरत या गलत तरीके से आपको कोई भी काम नहीं करना है. इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रैक्टिस एंड विदाउट दिस द एंटायर एक्ट माइट लूज इट्स वेटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस. से आप जो भी काम कर रहे हो उसको सोच समझ के, लाइक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, हर चीज़ प्रॉपर प्रैक्टिस करो, विदाउट दिस द एंटायर एक्ट विल लूज इट वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब करो तब भी उसका इम्पोर्टेंस रहेगा. आप बिना किसी प्लानिंग के करोगे तो क्या होगा, उस सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का ना ही कोई इम्पोर्टेंस रह जाएगा, ना ही उसका कोई सिग्निफिकेंस रह जाएगा. दोज हु प्रैक्टिस सिविल डिसोबिडियंस अकॉर्डिंग टू गांधी मस्ट इंश्योर दैट वायलेंस एंड जनरल लॉलेसनेस वुड नॉट ब्रेक आउट एज इट कुड डिस्टर्ब द पीसफुल एनवायरमेंट इन सोसाइटी. सी, जो भी ये सिविल डिसोबिडियंस प्रैक्टिस कर रहा है,
अकॉर्डिंग टू गांधी जी उसने देखना चाहिए वॉयलेंस, और मतलब झगड़ा झगड़ी नहीं करना चाहिए, कोई भी लॉ आपने ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट। आपको जो भी करना है पीसफुल एनवायरनमेंट में करो, जो भी करना है एकदम शांति से करो, बिना सोसाइटी ख़राब किए हुए, बिना एनवायरमेंटल इन सोसाइटी ख़राब किए हुए, मतलब जो एनवायरनमेंट है सोसाइटी में, वो माहौल जो है सोसाइटी में पीसफुल माहौल, वो कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहिए आपने। तो जो भी करो एकदम सही तरीके से एक दायरे में रह के करो आप। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर एक टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह ख़त्म हो जाएंगे एंड टाइप्स ऑफ सत्याग्रह चालू हो जाएगा नेक्स्ट इसमें ही। यू कैन रीड द टॉपिक वेल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी। माई मेल आई डी इज़ रसिका डॉट पकारिया @ arahamedu.in।